अब खबर कोटा के कैथून इलाके से है, जहां जमीनी मामले में पैसों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने एक अधेड़ की हत्या कर दी। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। थानाधिकारी नंद सिंह ने बताया कि जंगला हेडी निवासी सत्यनारायण का खजुना निवासी देवकिशन से जमीन के रुपयों का लेन देन चल रहा था और इसी बीच दोनों में लेन देन को लेकर कुछ कहासुनी हो गई और इसके चलते देवकिशन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सत्यनारायण पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले में सत्यनारायण की मौके पर ही मृत्यु हो गई और इस घटना के बाद पुलिस की टीमें आरोपियों की अब तलाश कर रही है। वो ऐसा है कि जो देवकिशन था ना, उसकी जमीन अर्जुनपुरा में थी बुड्ढो की। अब वो बुड्ढो की जमीन निकली ना हुआ तो देवकिशन ने कहा कि यार अपना तू निकला दे और अपन 50-50 पे कर लेंगे, तो ये एग्रीमेंट दिखा दे उसको सत्यनारायण को और पावर टोनी को जो करा दी। लेकिन वो देव किशन तो वहाँ जाके उसने समझौता कर लिया, अरे सत्यनारायण के पास पावर टोनी थी, उसको लेना चाहता था कि देव तो मेरा हिस्सा दे। इस बात पर तो कल भी कोई विवाद हुआ बताया, कोई दूधाखेड़ी माता जी ने तो कोई छोट मोटी थी वहाँ बात, तो वापस आते वक्त हुआ हमला। ये तो वहाँ से देवली आ गया, देवली से पिछाड़ा, पिछाड़ा से वापिस देवली और फिर गांव ही आ रहा है। मृतक सत्यनारायण जंगलेड़ी गांव का रहने वाला है और मारने वाले हैं वो खजुना के रहने वाले हैं, देवकिशन खजुना का है। तो देवकिशन के और सत्यनारायण के किसी जमीन का एग्रीमेंट था, उस जमीन का पैसे का लेन देन था। उस बात को लेकर के कल दोपहर को दूधेड़ी माता जी जो बनवास में पड़ती है वहाँ पर इनके कहासुनी हुई है, लेकिन वहाँ के लोगों ने, दर्शनार्थियों ने इनको समझा करके और वहाँ से भिजवा दिया। उसी बात को, उसी की रंजिश को लेते हुए रात को 8:30-9 बजे करीब जब ये सत्यनारायण अपने गांव देवली से अपने गांव आ रहा था तो झाड़ आमली और खजुना के बीच में देवकिशन वो इसके साथियों ने इसको रोककर और हथियारों से, धारदार हथियारों से उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसे मौके पर मृत्यु हो गई। आरोपी के बारे में उसे 4 टीमें हमने भिजवाई है और वो बिल्कुल इसमें